रादौर में अब जल्द ही लोग ई रिक्शा की सवारी करते नजर आएंगे। रादौर में ई रिक्शा दिए जाने की मांग को लेकर शनिवार देर रात रिक्शा चालकों ने सीपीएस श्याम सिंह राणा से उनके निवास पर मुलाकात की, जिस पर राणा ने उनकी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बात कही। राणा जी के पास आए थे, सारे रिक्शा वाले इकट्ठे हो गए, भैया हमको रिक्शा थोड़ी मिल जाओ, वो ये बैटरी वाली चलाने से थोड़ा हमारे को दिक्कत होती है, बहुत भाई परेशानी है, उम्र भी ऐसी होगी हमारी, तो अभी अगर वह मिल जाए तो दो चार साल बुजुर्ग आदमी और जी लगे, पाँच सात साल रिक्शा चला देंगे। अभी हमारे को ई रिक्शा का अगर हो जाए, जैसे मोदी जी ने अनाउंस भी किया है, इसी तरह से अगर देश के अंदर भी रक्षा वालों की बात सुनी जाए, रक्षा चालकों की, तो उससे काफ़ी इनकी मदद होगी, गरीब ये एजेंडा। तो क्या आश्वासन दिया आपने इनको? क्या मैंने इनकी बात सुनी है, मैं उसके लिए प्रयास करूँगा, ज़्यादा आर्थिक तो आर्थिक फायदा हो जाएगा, रास्ता ज़्यादा कवर हो जाएगा, सवारी ज़्यादा ले जा सकेंगे, मैनुअल से अगर बैटरी भी हो जाए तो वो ज़्यादा काम करेगी। रादौर से जार टीवी न्यूज़ के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।